इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। नमस्कार, लिव हिस्ट्री इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय चव्हाण। अहमदाबाद गुजरात की आर्थिक राजधानी और एक आधुनिक शहर, पर क्या आप जानते हैं सदियों से अहमदाबाद एक सुवर्ण नगरी, एक व्यापार का केंद्र रहा है। इस बात का अंदाजा हमें इस बात से पता चलता है कि दिल्ली की सत्ता संभालने से पहले मुगल बादशाह शाहजहां और उनके बेटे औरंगजेब गुजरात के सूबेदार रहे और उन्होंने अहमदाबाद से अपनी सत्ता चलाई। अहमदाबाद का इतिहास जानने हम निकल पड़े एक सफर पर, आइए हमारे साथ। पुराने और नए अहमदाबाद के बीच बहने वाली साबरमती नदी ने कई मायनों में इस शहर को एक खास शक्ल दी है। ये शहर आशावल और कर्णावती नाम के दो गांवों से मिलकर बना है, जिसे सन 1411 में अहमद शाह ने बनाया था। ये शहर 100 साल से भी ज्यादा वक्त तक गुजरात के सुल्तानों की राजधानी रहा है। हालांकि इस शहर का महत्व इसकी खास स्थिति की वजह से है। ये शहर व्यापार का केंद्र रहा है, साथ ही ये भरूच, सूरत और खंबाट जैसे बंदरगाहों को अंदरूनी इलाकों से जोड़ता है। डॉक्टर मकरन मेहता ने गुजरात के इतिहास पर 17 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। अब 87 साल की उम्र में वे अपनी अगली किताब पर काम कर रहे हैं। वे हमें बताते हैं कि अहमदाबाद का विकास किस तरह हुआ। तो लॉट्स ऑफ एग्रेरियन प्रोडक्ट्स वुड गो टू अहमदाबाद एंड द मैन्युफैक्चरर्स, द आर्टिजंस वुड मेक थिंग्स एंड द महाजंस और मर्केंटाइल एसोसिएशन दे वुड ट्रेड विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अहमदाबाद वॉज ए ग्रेट प्रोडक्टिव सेंटर एंड इट ट्रेडेड विथ ईरान, यू नो, पर्सिया, इस्फहान, बंदर अब्बास। इट ट्रेडेड विथ अरब कंट्रीज, एडन, मस्कट, कॉन्स्टेंटिनोपल ऑन दी वन हैंड, इजिप्ट एंड रोमन एम्पायर ऑन दी वन हैंड, एंड ऑन दी अदर हैंड इट ट्रेडेड विथ जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइलैंड्स, यू नो, विच आर नाउ इन इंडोनेशिया। अहमदाबाद, बिकॉज इट वॉज एन इनलैंड सेंटर, पीपल टूक एडवांटेज ऑफ द रिवर साबरमती एंड माइग्रेटेड टू अहमदाबाद। मुगल काल के दौरान अहमदाबाद बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र बन गया था। सन 1573 में इसे अकबर ने अपने कब्जे में ले लिया था और इसके दबदबे का सबूत ये है कि शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक मुगल बादशाहों ने तख्ते ताऊस पर बैठने यानी शहंशाह बनने के सफर की शुरुआत गुजरात के सूबेदार बनकर की। शांतिदास जवेरी 16वीं सदी के सबसे मशहूर व्यापारी थे। उनके प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शाहजहां उन्हें मामू कहा करते थे। सी दी बिजनेस कम्युनिटीज ऑफ अहमदाबाद कंसिस्ट ऑफ जैन्स, मेन बिजनेस कम्युनिटी, वैश्यवाइट बनियास, ऑल्सो पारसीज, यू नो, पारसीज आर वेरी मच देयर इन मुंबई, इन अहमदाबाद स्टिल वी हैव द पारसीज, पारसीज वेर एन एंटरप्राइजिंग बिजनेस कम्युनिटी, एमंग द मुस्लिम्स वेर खोजास, वोराज एंड मेमंस। I would say that Ahmedabad developed mainly two institutions in medieval period before the British. One is the Mahajan system and the other is Nagar Seth. Now the Mahajans cut across caste and community line. It was not caste based but profession based Mahajan system. For example, you might have heard the name of Shantidas Javeri. He was born in 1585 and he died in 1660.
ही वॉज दी एंसेस्टर ऑफ कस्तूरबाई लाल भाई. शांतिदास झवेरी वॉज ऑल्सो दी नगर सेठ ऑफ अहमदाबाद एंड ही सोल्ड ज्वेल्स टू जहांगीर, अकबर, शाहजहान एंड औरंगजेब. मुगल्स वेर वेरी इंटेलिजेंट पीपल एंड दे न्यू दैट दी ग्रेट प्रॉस्पेरिटी जाहोजलाली ऑफ द मुगल एम्पायर डिपेंड्स अपॉन द सिटीज, टाउन्स, लिटिल टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ गुजरात. बिकॉज आई वुड से दैट द टाउन्स, द सिटीज लाइक सूरत, अहमदाबाद, गणदेवी, राजकोट, जामनगर, भावनगर, पोरबंदर एंड सो दे वेर वेरी मच लिंक्ड विद द रूरल एरियाज विच आर वेरी फर्टाइल. सो इन ऑर्डर टू एनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इन ऑर्डर टू गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम गुजरात, द मुगल गवर्नर्स केम फ्रॉम द रॉयल फैमिली. द रॉयल फैमिली मेम्बर्स, वेदर ही मे बी अकबर, ही मे बी जहांगीर, इवन शाहजहान, इवन आई आई टोल्ड यू औरंगजेब ऑल्सो वॉज ए गवर्नर. इवन इन ऑर्डर टू वेज वॉर्स विथ देयर ओन ब्रदर्स, दे डिपेंडेड ऑन द लोन्स ऑफ अहमदाबाद पीपल. सो मेनी टाइम्स द अहमदाबाद बैंकर्स, इंडिजिनस बैंकर्स, साहूकार्स प्रोवाइडेड द लोन्स, वॉर लोन्स टू द पीपल, टू द रॉयल फैमिलीज हु कॉन्टेस्टेड विद देयर ओन फैमिली मेंबर्स. लाल भाई परिवार जो भारत के सबसे बड़े कपड़ा समूहों में से एक, अरविंद मिल्स के मालिक हैं, शांतिदास झवेरी के ही खानदान के हैं. समय के साथ साथ अहमदाबाद ने दुनिया भर के व्यापारियों को आकर्षित किया. सो मेनी ट्रैवलर्स हैव डिस्क्राइब द शॉप्स इन विच दे राइट दैट इन अहमदाबाद देर आर सो मेनी, नॉट ए थिंग इज अवेलेबल, ऑल द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड दे आर मार्केटेड इन अहमदाबाद. सो दिस इज ए वेरी नाउ नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अहमदाबाद द इंग्लिश केम हियर. नाउ वेर इज द इंग्लिश फैक्ट्री इन बिटवीन टर्न दरवाजा एंड दैट मानेक चौक, देर वॉज ए इंग्लिश फैक्ट्री, देर वॉज ऑल्सो ए डच फैक्ट्री. सो देर वॉज ऑल्सो ए वेरी बिग मार्केट मानेक चौक एरिया, मानेक चौक इज स्टिल देर. महाजन और नगर सेठ जैसे अहमदाबाद के व्यापारियों ने ही शहर की तकदीर बदल दी. 19वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया और उनके साथ मिलकर व्यापार किया और बाद में ये शहर कपड़ों का बड़ा बाजार बन गया. डॉक्टर मेहता के अनुसार दिलचस्प बात ये है, इसी वजह से राष्ट्रवादी आंदोलन की बुनियाद भी अहमदाबाद में ही रखी गई. सरदार वल्लभ भाई पटेल इसी शहर में वकालत करते थे, यहाँ तक कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद इसी शहर में आए थे. बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप, इट वॉज ए वेरी बिग सिटी ऑफ कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस. नाउ आफ्टर अहमदाबाद एंड गुजरात एंड इंडिया came under the rule of the British, and of course they exploited, economic exploitation. Even at that period of time, it was Ahmedabad, like Bombay, which developed the cotton textile industry. And one entrepreneur, Ranchodlal Chotalal, although he was a Brahmin, he pioneered the Indian cotton textile industry as early as in 1861. Now, Ahmedabad entrepreneurs developed so much cotton textile mills that by 1900, Ahmedabad was known as the Manchester of India. Manchester of India. That is the reason why Mahatma Gandhi selected Ahmedabad. Gandhiji has written in his autobiography that after he came from South Africa, after fighting for Indian political and civic rights in South Africa, Gandhi came to India in 1915. He had a choice of Pune, Mumbai, Lahore, Lucknow, Calcutta,
सो मैनी वाई डज ही प्रीफर अहमदाबाद, दिस इज ए बेसिक क्वेश्चन. तो गांधी सिलेक्टेड अहमदाबाद बिकॉज ही हैज रिटन इन हिज ऑटोबायोग्राफी दैट अहमदाबाद वॉज ए ग्रेट इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सेंटर बिफोर द ब्रिटिश. सेकंड, अहमदाबाद पीपल बिलीव नॉट जस्ट इन चेंज बट दे बिलीव इन कंटिन्यूइंग ट्रेडिशन एंड चेंज. सो गांधी प्रिफर्स अहमदाबाद बिकॉज फॉर हिम अहमदाबाद वॉज ए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. ऑल्सो ही न्यू दैट अहमदाबाद हैड लॉट ऑफ टेक्सटाइल वर्कर्स, वर्किंग फोर्स, लेबर फोर्स. ऑल्सो मिडिल क्लास वॉज वेरी मच देर, द बेस ऑफ मिडिल क्लास वॉज वेरी ग्रेट. देर वर इंडस्ट्रियलिस्ट, देर वर डिफरेंट पीपल एंड अहमदाबाद इज बिल्ट बाय अहमदाबादीज. अहमदाबाद शहर और इसका व्यापारी समुदाय शुरू से ही भविष्य की ओर देखकर चलने वाला समाज रहा है. उन्हें हमेशा अपने व्यापारी होने का गहरा एहसास रहता है और उन्होंने न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों की बेहतरी के लिए भी काम किया है. अहमदाबाद के प्रगति का कारण यहाँ के जनहितेशी और परोपकारी नागरिक और नगर सेठ रहे हैं. लोक कल्याण की ये भावना आज भी यहाँ के नागरिकों में जागरूक है और इसी वजह से अहमदाबाद एक आधुनिक और प्रगतिशील शहर यहाँ पर खड़ा है. अब हम आपसे लेते हैं विदा, और कहानियों के साथ फिर मुलाकात होगी.